हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम फायर फाइटिंग सिस्टम के GI पाइप पर जो पेंटिंग होती है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कब कब पेंटिंग की जाती है, किसके बाद पेंटिंग होती है और पाइप पर कितने कोट की पेंटिंग की जानी चाहिए। अभी हम सीधे साइट पे चलते हैं जहाँ पे पेंटिंग हो रही है। फायर फाइटिंग सिस्टम में जनरली जो हम जिस पेंट का यूज़ करते हैं उस हम इनेमल सिंथेटिक PO रेड पेंट कहते हैं, जिसे बेसिकली हम PO रेड पेंट भी कहते हैं। PO रेड पेंट को पोस्ट ऑफिस रेड पेंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। जहाँ तक अप्लाई करने की बात है, जिस तरह से हम प्राइमर में थिनर या फिर तारपीन डालकर हम प्राइमर करते थे, उसी तरीके से पेंट में भी हम या तो थिनर डालते हैं या फिर प्राइमर डालते हैं। रेशियो भी उसका 1:5 या फिर 1:4 ही रखते हैं। जैसे कि अगर हम 1 लीटर PO रेड पेंट रखते हैं तो 200 ml या फिर 250 ml हमको तारपीन का तेल भी डालना चाहिए। तारपीन या फिर हम थिनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 1:5 का रेशियो रखते हैं तो उसको बेस्ट माना जाता है। जहाँ तक पेंट और प्राइमर की ब्रांड की बात है तो उसको हम कंसल्टेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्राइमर और पेंट का ब्रांड तय करते हैं। जिस तरीके से प्राइमर में बर्जर और एशियन पेंट का ब्रांड होता था, इसी तरीके से PO रेड पेंट में भी हम जनरली एशियन पेंट का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी पे हम बर्जर को रखते हैं। इसकी भी क्वांटिटी 500 ml में आती है, 1 लीटर में आती है, 2 लीटर में आती है, 4 लीटर में आती है और 20 लीटर में आती है। PO रेड पेंट हम प्राइमर की 2 कोटिंग लगाने के बाद ही इस्तेमाल करते हैं। जब भी साइट पे फ्रेश पाइप आता है तो सबसे पहले उसको प्राइमर करने से पहले उसकी अच्छे से सफाई की जाती है, उसके बाद प्राइमर किया जाता है 2 कोटिंग, उसके बाद ही हम पेंट अप्लाई करते हैं पाइप पे। 1 कोटिंग पेंटिंग करने के बाद जो दूसरे कोटिंग होती है उनके बीच का टाइम इंटरवल जनरली हम 12 घंटा रखते हैं। मतलब कि पहली कोटिंग जब अच्छी तरीके से सूख जाए उसके बाद ही दूसरी कोटिंग हम अप्लाई करते हैं। जनरली साइड पे हम दूसरी कोटिंग तब करते हैं जब पाइप को हम ऑलरेडी हैंग कर चुके होते हैं। हैंग करने के बाद हम ऊपर चढ़ के ही इसका फाइनल टचअप करते हैं, यानी कि दूसरी कोटिंग का पेंट करते हैं। पाइप पर हम जनरली पेंटिंग वर्टिकली करते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। वर्टिकल पेंट करने से उस पर लाइनिंग नहीं बनती है। रेड पेंटिंग का काम जनरली हम वेल्डिंग प्रोसेस जब पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही करते हैं, टचअप देने के लिए दूसरी कोटिंग। मतलब कि रेड पेंट का दूसरा कोट हम पाइप पर हैंग करने के बाद ही करते हैं, जिसको टचअप भी कहते हैं, और पाइप पर अच्छी से फिनिशिंग भी दिखती है। वीडियो में जो अभी पेंटिंग हो रही है वो अभी पहली कोटिंग हो रही है। इस पेंटिंग के बाद जब पाइप हम हैंग कर लेते हैं उसके बाद हम इस पर दूसरी कोटिंग करते हैं। जनरली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि 2 कोट प्राइमर किया जाए और 2 ही कोट पेंटिंग का भी रखा जाए। लेकिन अगर पंप रूम या फिर कोई बड़ा काम होता है, जैसे कि 6 इंच या फिर 10 इंच का पाइप यूज़ होता है, तो वहाँ पर हम 3 कोटिंग भी पेंट करते हैं। वीडियो में आपको 2-2 सेकेंड की पिक्स दिखाई दी जा रही है। ये साइड पे हमारा काम चल रहा है, उसकी छोटी छोटी पिक्स हैं जो कि वीडियो में शो की जा रही हैं। जब हमारा पाइप साइट पर आता है तो सबसे पहले उस पर हम प्राइमर करते हैं, उसके बाद पेंटिंग करते हैं, उसके बाद वेल्डिंग का काम उसके बाद स्टार्ट करते हैं, या फिर प्राइमर के बाद भी हम वेल्डिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो कैसे वेल्डिंग करते हैं GI पाइप पर डिफरेंट फिटिंग्स की, जैसे एल्बो हो गया, टी हो गया, रिड्यूसर हो गया, उसकी वेल्डिंग कैसे की जाती है, हमारा जो अगला वीडियो रहेगा उसके बारे में रहेगा कि कैसे वेल्डिंग होती है साइट पे। तो अभी फ़िलहाल हम कंक्लूज़न पे आते हैं कि हम PO रेड पेंट का इस्तेमाल करते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में, जो कि थिनर या फिर तारपीन के साथ मिलाया जाता है 1:5 के रेशियो में। जब 2 कोटिंग प्राइमर की हो जाती है उसके बाद हम पहला कोट अप्लाई करते हैं, उसके बाद सूख जाने के बाद ही हम पेंट का दूसरा कोट अप्लाई करते हैं। जहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि पाइप को हैंग करने के बाद ही हम दूसरी कोटिंग करें पाइप की, जो कि फाइनल टचअप होती है। और पेंटिंग में हम प्रेफरेंस एशियन पेंट को देते हैं, जो कि इनेमल सिंथेटिक PO रेड पेंट कहलाता है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।